साथियों नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 का पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है और इसके अंतर्गत सभी विषयों का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा दिया है और उसमें संपूर्ण परीक्षा का प्रारूप प्रश्न पत्र का पैटर्न अंक भार सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं तो आज मैं बात करूँगा कक्षा बारह हिंदी अनिवार्य पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 तो हिंदी का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र सवा तीन घंटे का होगा प्रश्न पत्र के अंक है वो अस्सी होंगे सत्रह अंक बीस और पूरा आपका जो पेपर होगा वो सौ अंक का मतलब आपकी मार्कशीट सौ अंक में से बनेगी अब इसमें क्या पूछा जाएगा तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं तो सबसे पहले देखिए आप अधिगम क्षेत्र में अपठित बोध अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं बारह नंबर के रचनात्मक लेखन यानी जिसके अंदर पत्र है या फिर निबंध है या फिर और भी रचना से संबंधित है वो पूछा जाएगा व्यवहारिक व्याकरण है वो आठ अंक की पूछी जाएगी आरोह पुस्तक बत्तीस अंक की और वितान पुस्तक है वो बारह अंक की अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं आय बोध में गद्यांश एक छः अंक का और एक पद्यांश छः अंक का निबंध लेखन है तीन शब्दों में है वो आपके पाँच अंक का है पत्र वह प्रारूप लेखन जैसे अर्धशासकीय निविदा विज्ञप्ति ज्ञापन अधिसूचना विकल्प सहित होंगे ये चार अंक का होगा और अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्यपुस्तक है उसमें से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित दो छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे लघुत्रात्मक चार अंक के होंगे और फीचर और आलेख है यह दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा सौ शब्दों में और यह तीन अंक का होगा अब बात करते हैं व्याकरण की तो व्याकरण में आप देख रहे हैं की भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय यह शीर्षक नया है एन सी आर टी में पहले व्याकरण अलग नहीं होती थी लेकिन अब की बार पुस्तकें बदली है लेकिन व्याकरण का चैप्टर नहीं बदला है तो भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय दो अंक का पूछा जाएगा शब्द शक्ति दो अंक की और अलंकार भी दो अंक के कुल मिला के व्याकरण है वो आपकी कितनी आएगी आठ अंक की इसके बाद आप देख रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली तो पारिभाषिक शब्दावली के दो अंक पूछे जाएंगे तो ये एन सी आर टी सिलेबस और इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें व्याकरण है वो हु रखी है आरओं में से एक व्याख्या पूछी जाएगी छः अंक की एक पद्य से व्याख्या होगी वो छः की छः की गद्य से ज छः की पद्य से यानी बत्तीस अंक की यह व्याख्या होगी बत्तीस अंक की आपकी ये पुस्तक होगी दो निबंधात्मक प्रश्न एक गद्य से एक पद्य से दोनों पाँच पाँच अंक के पूछे जाएंगे तो ये दस दस के होंगे और एक लघुत्रात्मक प्रश्न पूछा जाएगा वो दो अंक का होगा फिर पाँच पॉइंट नंबर पाँच में एक लघुत्रात्मक प्रश्न गद्य भाग से होगा तो वो तीन अंक का होगा तो पद्य भाग से दो अंक का गद्य से तीन का और एक कवि और लेखक का परिचय जो पाँच अंक का पूछा जाएगा अब जो पेपर का खंड चार होगा उसमें क्या पूछा जाएगा उसमें पूछा जाएगा आपके वितान पाठ्य पुस्तक से एक निबंधात्मक प्रश्न होगा 120 शब्दों में उत्तर देना विकल्प सहित होगा और यह प्रश्न छः नंबर का होगा और छह अति लघु उत्तरात्मक यानी बहुत छोटे छोटे एक या दो लाइन के उत्तर वाले उनके छः प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का मतलब छः अंक कुल मिला के आपकी वित्त पाठ्यपुस्तक होगी वो बारह अंक की होगी तो साथियों प्रिय विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ कि ये बोर्ड का पाठ्यक्रम आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा और इसके अनुसार ही आप अपने बोर्ड की तैयारी करेंगे हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें इसके सदस्य बने बहुत जल्द आपको हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है वो भी मिलने वाला है तब तक आइए रहिए नमस्कार जय हिंद